Meet Shweta. Shweta is a 35-year-old working woman hai, who has two children and a big household to manage. Har subah, Shweta apne dono kids ko school ke liye ready karti hai, breakfast prepare karti hai, and by 8:30 office chali jati hai. After a tiring day at work, Shweta comes home to a sink full of dirty dishes waiting to be washed and a family dinner waiting to be cooked. Finally, by 11 PM, Shweta free hoti hai aur tab वो अपनी हेक्टिक लाइफ से ब्रेक लेने के लिए अपनी फेवरेट एक्टिविटी करती है. शी प्लेज कैंडी क्रश सागा, अ गेम दैट ब्रिंग्स हर हैप्पीनेस, जिसका हर लेवल क्लियर होते ही श्वेता फील्स द जॉय ऑफ अकम्प्लिशमेंट. हम सब एक श्वेता को जानते हैं. वो आपकी मॉम हो सकती है, आपकी ग्रैंड मॉम, आपकी सिस्टर, या फिर आप खुद. एंड वाइल वी माइट थिंक कि ये बस एक स्मॉल रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, इट इज नॉट. इनफैक्ट ये सभी श्वेतास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती हैं, द गेमिंग इंडस्ट्री. द गेमिंग इंडस्ट्री इज अ $200 billion इंडस्ट्री टुडे, एंड यू आर नॉट रेडी टू हियर दिस, बट गेमिंग वर्ल्ड की मूवीज और म्यूजिक इंडस्ट्री कंबाइंड से भी बड़ी है. दिस वीक ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 will hit $1 billion in sales in 3 days. Gaming will be bigger than music movies and TV shows all put together. बहुत बहुत ज्यादा सैलरी है. इंडियन गेमर्स आर मेकिंग इनसेन मनी ऑन अ रेवेन्यू बेसिस, द लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट सेक्टर इन द वर्ल्ड. हाय गाइस, आई एम इंदर कपूर, और आज के एपिसोड में हम गेमिंग इंडस्ट्री को समझेंगे. वी विल अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ गेमिंग, how we moved from console to mobile gaming, how games and gamers make money, and most importantly, how big is gaming in India and can we make a career in it. Let's find out. Gaming has come a long way. In the 1970s, is industry ki beginning hui thi console gaming se. 1972 mein world ka pehla video game console invent kiya gaya, jise users अपने टीवी मॉनिटर से कनेक्ट करके कंट्रोलर्स के थ्रू गेम्स खेल सकते थे. लेकिन इस इंडस्ट्री की रियल ग्रोथ शुरू हुई 1985 से, जब निंटेंडो नाम की एक गेमिंग कंपनी ने ना सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर कंसोल डेवलप किया, बल्कि एक लेजेंडरी गेम भी, सुपर मारियो ब्रोस. वो गेम जो आज तक की बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम फ्रेंचाइजी है, विद ओवर 830 मिलियन यूनिट सोल्ड एज ऑफ 2022. अगले एक डेकेड Nintendo गेमिंग इंडस्ट्री की लीडर रही विद इट्स सुपर हिट गेम्स जैसे डक हंट, टेट्रिस एंड कॉन्ट्रा. धीरे धीरे और प्लेयर्स गेमिंग मार्केट में एंटर करने लगे और कंसोल गेम्स की क्वालिटी बेटर होती गई, जिसका बेंचमार्क डिफाइन किया सोनी ने. व्हेन इन 1994 इट रिलीज्ड इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंसोल्स, प्लेस्टेशन. वो कंसोल जिसने पहली बार ट्रेडिशनल कार्ट्रिजेस को डिच करके सीडीज में गेम स्टोर करना शुरू किया. बाय अर्ली 2000s, सोनीज प्लेस्टेशन सीरीज एंड इट्स कंपेटिटर माइक्रोसॉफ्ट्स एक्सबॉक्स हाई डेफिनेशन गेमिंग में लीड कर रहे थे. ऑन द अदर साइड, ऑल्दो पीसी गेमिंग हैड एग्जिस्टेड फॉर अ व्हाइल, बट बाय दिस टाइम इट स्टार्टेड पिकिंग अप एक्सपोनेंशियली. अब सीडीज को डायरेक्टली PCs में इंसर्ट करके गेम्स डाउनलोड की जा सकती थी. इस एरा की बेस्ट नोन गेम्स थी काउंटर स्ट्राइक, GTA, रोड रैश एटसेट्रा. मीनवाइल स्लोली गेम्स के लिए एक थर्ड एवेन्यू ओपन हो रहा था, मोबाइल्स. मोबाइल गेमिंग जैसा कि हम जानते हैं शुरू हुई थी नोकिया की क्लासिक गेम स्नेक से, लेकिन मोबाइल गेमिंग का एक्चुअल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया एप्पल ने, जब उन्होंने आईफोन में एप स्टोर लॉन्च किया और उसके बाद Google Android ने Play Store. ये दोनों स्टोर्स गेम डेवलपर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गए. अब बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे Sony या Microsoft ही नहीं, बल्कि स्मॉल इंडिपेंडेंट डेवलपर्स भी अपनी गेम्स इन स्टोर्स पर लॉन्च कर सकते थे. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन देयर वाज नो लुकिंग बैक. एंग्री बर्ड्स, सबवे सर्फ, टेम्पल रन, कैंडी क्रश, ये सारी गेम्स इसी रेवोल्यूशन का प्रोडक्ट थी. आज मोबाइल गेमिंग गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट है. लुक एट दिस ग्राफ. इन 2022 ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री ने $196.8 billion का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से $103.5 billion, दैट इज 53%, सिर्फ मोबाइल गेमिंग ने कॉन्ट्रीब्यूट किया. दिस ब्रिंग्स अस टू एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू गेम्स मेक मनी. वेल, ब्रॉडली गेम्स फोर वे से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है. नंबर वन, वन टाइम परचेज. वन टाइम परचेज गेम्स का ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. आपको बस अपनी फेवरेट गेम की सीडी या डीवीडी बाय करनी होती है, एंड दैट्स इट, द गेम इज योर्स फॉर लाइफ. लेकिन आज मोस्ट गेम्स आर फ्री टू प्ले, और ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री का 85% रेवेन्यू सिर्फ फ्री टू प्ले गेम से आता है. सो हाउ डू दीज गेम्स मेक मनी. दिस ब्रिंग्स अस टू रेवेन्यू सोर्स नंबर टू, इन ऐप परचेजेस. मतलब आप गेम को फ्री में खेल तो सकते हो, लेकिन इफ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ अपग्रेड्स,
like a new weapon or you want to customize your character, तो आप उन फीचर्स को बाय कर सकते हो। दिस इज हाउ वर्ल्ड की मोस्ट रेवेन्यू चर्निंग गेम्स आज फ्री टू प्ले गेम्स हैं। टेक फॉर एग्जांपल फोर्टनाइट। इट हैज 500 मिलियन रजिस्टर्ड प्लेयर्स और लॉन्च से लेके आज तक इस गेम ने 26 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया है। नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट्स। ऑफ कोर्स यू नो अबाउट देम। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी गेम के मिडल में एक एड रन करने लगती है और ये होता है फ्री टू प्ले गेम्स का अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, द एड रेवेन्यू। और गेम्स लाइक कैंडी क्रश जो आज तक मोर देन 20 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर चुकी है, एड रेवेन्यू मेक्स अप फॉर अ मैसिव चंक। एंड नाउ नंबर 4, सब्सक्रिप्शन। जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स डज विद वीडियो कॉन्टेंट, सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम्स में कंपनीज एक बंडल ऑफ गेम्स ऑफर करती है जिसे एक्सेस करने के लिए यूजर्स को मंथली फी पे करनी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल Minecraft, Final Fantasy, etc. अब ये तो था how games make money. But what about gamers? Can somebody make money by playing a game? Yes, they can. एक serious gamer जो अपना substantial amount of time gaming को devote करता है, majorly two ways से earn कर सकता है, direct and indirect. The indirect way is content creation. Often gamers games खेलते हुए live stream run करते हैं on platforms such as YouTube and Twitch. While playing games, gamers use different strategies, give entertaining commentaries and viewers enjoy watching them. आज world के top YouTubers gamers हैं, one of which is PewDiePie, जिनके account पर 111 million subscribers हैं, जिनके टोटल व्यूज मोर देन 22 बिलियन है और जिनकी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम रफली 40 मिलियन डॉलर्स है। और दूसरा है द डायरेक्ट वे, e-sports. In simple language, e-sports, that is electronic sports में professional players video games में compete करते हैं, either individually or in a team. और ये competition organized tournaments और championships के through करवाया जाता है. Just like cricket has its own World Cup, video games have their World Cups too. और इन्हें बड़े-बड़े stadiums में organize करवाया जाता है, where thousands of people come to watch it. For example, in 2019, Fortnite World Cup organize किया गया और उसका total prize pool था 30 million dollars. Gamers who win these global tournaments are treated like celebrities. Now the question is, do Indian gamers also make money? Not all of them, but yes, they do. India ka biggest YouTuber ek gamer hi hai, Carry Minati, followed by other gaming creators such as Techno Gamers, Total Gaming, Scout, Mythpad, and the list goes on. Aur ye hai inki estimated annual income. Ye income accurate to nahi hai, but you get the point. मेरा एज 21 साल है और 21 साल की एज में मैं काफी ज्यादा पैसे कमाता हूं क्योंकि मैं एशिया का नंबर वन गेमर हूं। यह आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि मैंने इसके मतलब पिछले महीने खरीदा था और मैं हर महीने बहुत सारे आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद सकता हूं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक इंडियन एज अ गेमर अपना करियर परसू कर सकता है? वेल, इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। Let's understand it. India world ki most populated country hai and it makes up for over 17.5% of the world population. Lekin despite this, global gaming industry ke total revenue mein India ka contribution sirf 1.5% hai. Matlab Indian gaming so far sirf 3.1 billion dollars ki industry hai. Iska simple sa reason hai India's mindset about gaming. In India, most parents apne kids ko games khelne ke liye encourage nahi karte. और वीडियो गेम्स तो बिल्कुल नहीं। फॉर मेनी ऑफ अस, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आज भी सिर्फ एकेडमिक स्कोर से ही मेजर की जाती है। इनफैक्ट इंडिया में तो एक बहुत पॉपुलर सेइंग भी है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। द प्रॉब्लम इज कि इंडियंस ये नहीं जानते कि गेमिंग में सिर्फ गेमर बनना ही एक ऑप्शन नहीं होता। आप एक गेम डेवलपर बन सकते हो, गेम डिजाइनर, प्रोग्रामर, गेम टेस्टर भी बन सकते हो। बेसिकली इंडियंस को गेमिंग एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन अब ये स्लोली चेंज हो रहा है, at least for the new generation. The top gaming influencers of India are today impacting the young generation like never before. And how can we forget COVID? Jab sab lockdown mein the aur har Indian industry suffer kar rahi thi, gaming flourish kar rahi thi, especially mobile gaming. In fact, India mein 96.8% games mobile pe kheli jati hain. Us time, India mein majorly do games kheli ja rahi thi, Ludo King aur PUBG, jisme se PUBG thode time baad ban ho gayi thi. लेकिन वो एक डिफरेंट स्टोरी है। अब इन गेम्स का नेचर समझने की कोशिश करते हैं। लूडो किंग जैसी गेम कैजुअल गेमिंग में कैटेगराइज की जाती है, मतलब एक ऐसी गेम जो सिंपल हो, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो और मासेस को अपील करती हो। और गेम्स जैसे पबजी मिड कोर गेम्स में लिस्ट की जाती है, गेम्स विच रिक्वायर मोर फोकस एंड आर स्लाइटली हार्डर टू प्ले। नाउ लुक एट दिस डेटा, इट सेज कि इंडिया में मोर नंबर ऑफ पीपल प्ले कैजुअल गेम्स लाइक लूडो किंग एंड लेस प्ले मिड कोर। इनफैक्ट इन 2020 लूडो किंग के इंडिया में रफली 400 मिलियन डाउनलोड्स थे। पबजी ऑन द अदर हैंड हैड लेस देन हाफ द डाउनलोड्स, 175 मिलियन। लेकिन इंटरेस्टिंगली इवन दो मोर पीपल प्ले कैजुअल गेम्स,
The amount of time that is spent on a game per person is much higher in mid-core games than in casual games. इस डेटा को देखो, एक इंडियन गेमर एक दिन में सबसे ज्यादा टाइम mid-core games खेलने में स्पेंड करता है. For example, Free Fire पे 109 मिनट स्पेंड किए जाते हैं और BGMI जो PUBG का इंडियन वर्जन है उस पे 80 मिनट स्पेंड किए जाते हैं. On the other hand, casual games जैसे Candy Crush पे 42 मिनट स्पेंड किए जाते हैं और Ludo King पे सिर्फ 32 मिनट्स. This means mid-core games में इंडियंस की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है in terms of their time and effort. इसी वजह से उनकी willingness to pay for a mid-core game is higher and that is why ये गेम्स कैजुअल गेम्स से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है. लेट्स गो बैक टू द लूडो किंग एंड पबजी एग्जांपल. 2020 में लूडो किंग के इंडिया में 400 मिलियन डाउनलोड्स थे और इस गेम ने 20 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया था. ऑन द अदर हैंड उसी ईयर में पबजी के 175 मिलियन डाउनलोड्स थे, बट डिस्पाइट दैट इस गेम ने लूडो किंग से 2 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, 41 मिलियन डॉलर्स. और अब इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को देखो. इन ऑल द पास्ट इयर्स यू विल ऑब्जर्व कि मिडकोर और कैजुअल गेम्स का टोटल रेवेन्यू ऑलमोस्ट इक्वल है एंड इन सम केसेस जैसे FY23 में कैजुअल गेम्स का रेवेन्यू ज्यादा है. द लॉजिक इज सिंपल, मोर प्लेयर्स प्ले कैजुअल गेम्स बट स्पेंड लेस एंड लेस प्लेयर्स प्ले मिडकोर गेम्स बट स्पेंड मोर. हाउएवर एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स कैजुअल गेम्स का रेवेन्यू हर साल 26% से ग्रो करेगा और मिडकोर गेम्स का 49% से, ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ कैजुअल गेम्स. पॉइंट इज इंडियाज गेमिंग इंडस्ट्री हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया की यंग पॉपुलेशन जो इस न्यू इंडस्ट्री को बहुत रैपिडली अडॉप्ट कर रही है. सो मच सो दैट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इट इज एक्सपेक्टेड दैट गेमिंग वुड बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग and contribute significantly to India's GDP. That's it for today. If you like this video, then don't forget to like, share, and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.